इसके बाद उनका रंग बदल गया। अच्छा, पानी बरसते नहीं, ये पानी अपने से चला जाता है। अच्छा अच्छा, तो बाहर बाहर निकलने का रास्ता बना गया। पानी जब बरसेगा तब, वैसे वैसे आपको नहीं लगता कि जल बहुत साफ नहीं है? आपको आपकी बात हाथ में लो, साफ है, हैं? साफ है, हाथ में लेके देखो। अच्छा, साफ बहुत है। चलिए, हो सकता है, आप ये तो कह रहे हैं हाथ में लेके देखो, अभी लेके जा लेके देखो। अच्छा अच्छा, मतलब काई ज़्यादा है जिसकी वजह से हरा हरा दिख रहा हो, मतलब सफाई कभी नहीं होती पूरी। सफाई बहुत बड़ा तेज कभी नहीं है, कब तक करे, 5 मिनट 10 मिनट करना हो, 25 मिनट कभी नहीं, कब करेंगे 25 मिनट किनारे साइड स्क्रीन ही बनाए हुए हैं, किनारे 10 मिनट देनी, 10 मिनट देनी और ये सीढ़ी जो है मतलब कितने जल्दी पूरा तो जल्दी लग रहे हैं, तो ये जल्दी लोग को पत्थर जल्दी लग रहे हैं, 5-6 मिनट देने हैं खाली। पहले ऐसे तालाब का पानी पानी सफाई कर मुझे पानी भर गया। तो इसमें क्या गुरुदेव, ये है सीढ़ियाँ कितने दूरी तक है नीचे? 10 फुट। अच्छा अच्छा, और नीचे जाल वाले जैसा भी कुछ लगाया नहीं? नहीं, मतलब कोई आदमी जैसे नहाने के लिए बीच में जाएगा, बीचों बीच में आए किनारे आए। अच्छा चलो भैया, जय बाबा, जय बजरंगबली। सात बजे आरती होती है, ये हत्यारण के ठीक बगल में ये स्थान। नहाने के लिए आए थे? नहीं, अब जल कह रहे हैं साफ है, नहीं नहीं दर्शन तो देखिए हो गया, दर्शन तो कोई ऐसा मैटर नहीं है, दर्शन दर्शन तो आपको मन से करना है ना भैया, मानसिक दर्शन है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उधर बैठना पड़ेगा। अच्छा, जल साफ है गुरुदेव, जल साफ है? वास्तव में देखा जाए तो जल जिस हिसाब से सामने विजिबल है उस हिसाब से काफ़ी साफ देखा जा सकता है इसको, है ना? क्या चलो यार, फिर रामचंद्र जी ने नहाया तो हम लोग भी नहाते हैं। हम कितने नीचे जाके नहाना है ये पूरे दर्शन? चले उधर से दक्षिण उधर पड़ेगा ना, इधर वास्तव में देखा जाए तो किसी भी जलाशय में जो कि सिद्ध जलाशय हो वहाँ दक्षिण दिशा मुँह करके अगर पितरों को जल दिया जाए तो वो पितरों को मिलता है सीधे सीधे। हनुमान जी का बहुत ही दिव्य मंदिर ठीक बगल में, बाबा की हेतु की कृपा और महाकाल की प्रेरणा इसी दर्शन के लिए आज यहाँ लाई। लेकिन ये पानी की गंदगी ही सुन जाती है, ये जो बारिश होती है जी 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 पूरी गंदगी सुन जाती है, इसको इस हिसाब से बनाया गया होता मतलब गंदगी ना आती है। इधर देखिए थोड़ा ज्यादा है गंदगी, इनके गौ हत्या लगती है, लोग आते हैं सिंह पूरा यूपी भर में रहा एक है गौ हत्या वाला। अच्छा अच्छा, अरे भारत भर में हम करा वो हम है पूरी परिक्रमा। पंडा प्रवृत्ति यहाँ भी हावी है ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आपके आते ही जो है पंडा आपके पीछे बताने लगता है कि मैं यहाँ का पंडा हूँ, ये बताने की क्या ज़रूरत है, जो भी
भक्त दर्शन करने आएंगे। देखिए इस स्थान पे जल किस तरह से इकट्ठा है। ये शिवलिंग इधर से घूमता हुआ पंचमुखी शिवलिंग पाप मोक्ष 90% मिली टैबलेट। मंदिर के शिखर के दर्शन हनुमान जी के मंदिर के विलक्षण दर्शन। देखिए हनुमान जी का मंदिर वो कोने में बाबा की अतिथि कृपा और महाकाल की प्रेरणा आज हत्यारण हनुमान जी के मंदिर के दर्शन। अधापा नाम पंचमुखी शिवलिंग दर्शन मात्र पाप निवारण पाप मोक्ष शिवलिंग हत्यारण। इधर से दर्शन अक्रॉस